के टू क्लाइम करना मेरे लिए एक ख्वाब था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो पूरा हुआ है। अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की, और जो एक मेरा ड्रीम था के टू क्लाइम करने का, वो अल्लाह ताला की मदद से फाइनली समेट हो गई। और सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे खुशी की बात ये है कि मुझे अल्लाह ताला ने ये एजाज़ अता की कि मैं अपने मुल्क की पहली खातून जो कि के टू पे पाकिस्तान का सबसे हिलाली परचम लहराने में कामयाब हो गई। और के टू इसलिए ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ये समिट, क्योंकि इससे पहले मैंने दो दफ़ा अटेम्प्ट की और कामयाबी नहीं हुई मुझे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली ऑन 22 जुलाई 2022 आई सबमिटेड के टू। और बहुत खुशी होती है ना बीइंग फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू क्लाइम एवरेस्ट एंड देन के टू, इट्स ऑलवेज वेरी वेरी स्पेशल, क्योंकि बीइंग फर्स्ट इज़ ऑलवेज स्पेशल। पहाड़ चढ़ना कोई आसान स्पोर्ट्स नहीं है, तो मेरा तमाम ख्वातीन के लिए ये मैसेज है कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग ले और प्रॉपर तरीके से सीख के आए, और आप ज़रूर पहाड़ चढ़ सकती है, कोई नामुमकिन काम नहीं है, लेकिन ये कि आप जब प्रॉपर ट्रेनिंग करके आते हैं तो इतना मुश्किल नहीं होगा। आप के टू मेरे लिए एक ख्वाब था, अभी भी यकीन नहीं आता टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन ये कि मैं मेंटली प्रिपेयर थी, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और मुझे अल्लाह ताला पे भरपूर यकीन था कि अल्लाह ताला इस दफ़ा ज़रूर मदद करेगा। थैंक यू टू के टू, के टू ने एक्सेप्ट किया इस दफ़ा। मैं अपने मुल्क से पहली खातून हूँ जिन्होंने दोनों जो हाईएस्ट माउंटेंस है एवरेस्ट एंड के टू वो समिट की हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि अपने मुल्क का परचम लहराया बिंग फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन। कौम को मेरा मैसेज ये होगा कि सबसे पहले पाकिस्तान को रखें और अपने मुल्क की इमेज को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें और अपने मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें।